सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन 31 अगस्त को सतनामी समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय यात्रा का अंतिम दिन 31 अगस्त को सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन होगा। सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन में भीम आर्मी के चीफ व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण शामिल होंगे। आपको बता दें कि 15 मई को किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा गिरौदपुरी के पास अमर गुफा में जैत खाम को आरी से काट कर फेंक दिया गया था, खंडित कर दिया गया था, जिसको लेकर सतनामी समाज लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। पुलिस द्वारा बिहार के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया, जिसको लेकर सतनामी समाज लगातार धरना प्रदर्शन और CBI की मांग करते रहे। इस मांग को लेकर 10 जून को महा आंदोलन हुआ, जिसमें सतनामी समाज के हजारों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश भर से बलौदा बाजार पहुंचे और 10 जून को महा आंदोलन हुआ। और 10 जून महा आंदोलन में असामाजिक तत्वों की भीड़ घुस गई और असामाजिक तत्वों द्वारा बलौदा बाजार और SP कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा लगातार धरपकड़ शुरू कर दिया, जिसमें सतनामी समाज के लगभग सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। इस गिरफ्तारी में निर्दोष लोगों के गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है। इसी निर्दोषियों को छुड़ाने के लिए सतनामी समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा 16 अगस्त से गिरौदपुरी में सतनामी समाज का सामाजिक न्याय यात्रा निकाला गया, जो 15 दिन तक छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय की मांग करते रहे और अभी तक न्याय नहीं मिला है और न ही गिरौदपुरी में जैत खाम को काटे जाने वाले सही आरोपी की गिरफ्तारी हुआ है। वहीं इस सामाजिक न्याय यात्रा का समापन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन में भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावत शामिल होंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरा हो चुका है और 31 अगस्त को सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन में सतनामी समाज के कोने कोने से लोग हजारों लाखों की संख्या में जुटेगा। अब देखना यह होगा कि जेल भरो आंदोलन के बाद प्रशासन क्या करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ समाचार 31 अगस्त सतनामी समाज का जेल भरो आंदोलन में आने वाले सामाजिक बंधु और माताओं से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करें, ताकि सतनामी समाज फिर से बदनाम न हो और छत्तीसगढ़ में अशांति न फैले। वहीं सामाजिक न्याय यात्रा के अंतिम दिन जेल भरो आंदोलन में आने वाले सतनामी समाज के लोगों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन विनय रतन जी ने सभी से अपील किया है कि शांति रूप से प्रदर्शन करना है और अपील किया गया है कि इस प्रदर्शन में संदिग्ध जैसे लोगों और किसी के भड़कावे में न पड़े। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लुप्त किएगा जो